तो गाइज़ कैसे हो, आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आ चुका है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइज़ ये वाली वीडियो ना सच में ही ब्रांड न्यू, मतलब एकदम कतई जहर ब्रांड न्यू वाली वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं जो इस वाली वीडियो में बताऊंगा वो आज तक यूट्यूब पर वो चीज़ है ही नहीं। फ़ोटो चेंज भाई कैसे करें अगर आपके पास प्लस का आइकन नहीं आ रहा है, या भाई प्लस का आइकन आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, आपकी बस फ़ोटो चेंज हो जाएगी आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखोगे। तो आज की वीडियो में भाई साहब वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। अगर आपकी फ़ोटो भी भाई गलती से चेंज हो गई है, या फिर जैसे कैसे अगर आपकी फ़ोटो चेंज हो गई है, और जो मैंने इस पे मैंने एक पहले वीडियो बना रखी थी, लेकिन वो बहुत बंदे उसमें बताते हैं कि भाई हमारे पास तो प्लस का आइकन ही नहीं आ रहा, क्योंकि उस वाली वीडियो में सारा खेल प्लस के आइकन का था, लेकिन आज की इस वाली वीडियो में प्लस के आइकन का कोई भी खेल नहीं है। अगर आपके पास प्लस का आइकन नहीं आ रहा तो भी आपकी फ़ोटो चेंज हो जाएगी। जी हाँ, आज की ये वाली वीडियो इसी टॉपिक पर है, आपकी गेम में फ़ोटो चेंज हो जाएगी अगर आपने भाई गलती से अपनी गेम में अवतार लगा लिया कोई गेम का, और आपका वो अवतार आपने चेंज करने की कोशिश की और आपका एक बार चेंज हो गया और फिर से आपने वही गलती कर दी, अवतार लगा लिया और अब आपके पास प्लस का आइकन नहीं आ रहा, तो आप ऐसे में आप क्या कर सकते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं वही बताऊंगा, कुछ ऐसी टिप्स आपको बताऊंगा जिससे कि आप अपनी मतलब फ़ोटो चेंज कर सकते हो। तो यार ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए आपको बताते हैं वो टिप्स। तो उससे पहले चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में बताना भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इस बार कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो यार अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो प्लस का आइकन नहीं आ रहा तो ऐसे में आपको अपने फ़ोन में जो प्ले गेम ऐप है उसको एक बार काट देना, अपने फ़ोन से डिलीट मार देना और फिर से उसको यहाँ से इंस्टॉल कर देना है। प्ले गेम सर्च मार लेता हूँ प्ले स्टोर पर और यहाँ पर वो ऐप आ चुका है, उसको फिर से डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या करना है। तो मैं अभी इसको इंस्टॉल होने देता हूँ और अब ये इंस्टॉल हो चुका है, और इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बैक आ जाना है, सब कुछ बैक कर देना है, और बैक करने के बाद आपको अपनी गेम ओपन करनी है। हाँ भाई, ये वाली वीडियो उस वाली वीडियो की तरह ही थोड़ी थोड़ी तो जैसी है, पर लेकिन इस वाली वीडियो में सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग न्यू टिप्स हैं। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो मेरा यहाँ पर फ़ोटो चेंज हो चुकी है, मैंने यहाँ पर अवतार लगा लिया है, कोई अवतार मैंने लगा लिया है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास फ़ोटो चेंज हो चुकी है और वहाँ पर प्लस का आइकन भी नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हो मेरे पास प्लस का आइकन नहीं आ रहा है, तो अब मैं ऐसे में फ़ोटो कैसे चेंज करूँ। तो भाई ऐसे में आपको फ़ोटो चेंज करने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर लॉग आउट का जो बटन है ना उसको दबा देना है, लॉग आउट अपनी गेम को कर देना है, जैसे कि यहाँ पर मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। तो लॉग आउट करने के बाद आपको प्ले गेम पर फिर से क्लिक कर देना है एक बार, तो यहाँ पर कुछ लोडिंग मांगेगा, तो प्ले गेम पर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पर फिर से क्लिक कर देना है, और कंटिन्यू के बाद भी फिर से लोडिंग मांगेगा, और यहाँ पर कुत्ता सा भाग रहा है ये, तो यहाँ पर थोड़ी लोडिंग मांगेगा, तो मेरा पता नहीं नेटवर्क स्लो है, पता नहीं क्या है भाई। तो यहाँ पर लोडिंग कंप्लीट हो चुका है, और भाई साहब देख सकते हो आप, थोड़ी वेट करो। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो मेरी फ़ोटो चेंज हो चुकी है, मैंने कुछ भी वीडियो डिलीट कुछ भी नहीं काटा इस वाली वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी फ़ोटो चेंज हो चुकी है, जो कि मैंने यहाँ पर कोई भी फ़ोटो लगा दी थी और मेरे पास प्लस का आइकन भी नहीं आ रहा था, तो फिर भी मैंने भाई फ़ोटो चेंज कर दी, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर भाई फ़ोटो चेंज हो चुकी है, और भाई ये जो ट्रिक है भाई एकदम रियल और जेन्युइन ट्रिक है, आप भी इस तरह अपनी फ़ोटो चेंज कर सकते हो अगर आपके पास प्लस का आइकन आ रहा है या नहीं आ रहा, आपका इससे कोई लेना देना नहीं, बस आप वो स्टेप फॉलो करना जो मैंने इस वाली वीडियो में बताया। तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही काफ़ी, गलती सलती के लिए माफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।